कर रहा हूँ आप, मैं सुन रही जवाब मेरा यही रहेगा, एक क्लैरिटी आपके लिए। मैं चिल्लाती नहीं, चिल्लाने का काम शायद आप करते होंगे, आपको दूसरों में वो दिखता होगा। मैं सवाल पूछती हूँ, आप हिंदी नहीं समझ पाए मुझे लग रहा है। आमी अपना के बोली छी यही देशे जे कानून के भंग करवे ताके सजा दिया जावे। अब समझ में आया? भोजपुरी बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया, इसलिए कहा था चिल्लाएंगे नहीं, कोई बात नहीं। सुबोई खान मेरा सवाल आपसे भी है, सुबोई खान आपको प्रणाम। हिंदुस्तान या देश के अंदर में ना हमारा कानून है, ना आदित्य जी आपका कानून है, ना कांग्रेस का है, ना बीएसपी का है, ना किसी का है। ऐसा लगता है कि कानून तो देश का है, कोई भी अगर गलत काम करेगा तो कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, हम आप क्यों चिल्ला रहे हैं, ये इसमें शंका जाहिर हो रही है। भाई कानून है ना देश, तो संविधान और कानून से चलेगा, हमारे आपकी डिबेट से चिल्लाने से तो नहीं चलेगा। कानून को अपना काम करना चाहिए, अगर कानून के दायरे में कानून के खिलाफ कोई काम करता है तो उसके कानून अपना काम करता है। अनुराग भदौरिया कोई गलत काम करते हैं तो तुरंत डंडा लाठी लेके भारतीय जनता पार्टी पुलिस भेज देती है, दे पीठ पे लाठी, तब तो नहीं सोचती कुछ भी। इसके मतलब कानून कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है। तभी आपने उत्तर प्रदेश में गृह राज्य मंत्री को, बेटे ने रोंदा है गृह राज्य मंत्री को, गृह राज्य मंत्री बना दिया उसके पिताश्री को। अनुराग भदौरिया लगता है कहीं ना कहीं, सुन तो लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ बोलिए जवाब मेरा यही रहेगा। एक क्लैरिटी आपके लिए, मैं चिल्लाती नहीं, चिल्लाने का काम शायद आप करते होंगे, आपको दूसरों में वो दिखता होगा। मैं सवाल पूछती हूँ, दूसरा आपकी क्या राय है, आपसे भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरी राय मैंने आपको बता दी है कि जिस दिन ये स्टेटमेंट, जरा फिर से चला दे जरा एक बार, भदौरिया जी की भी तो राय ले, कानून व्यवस्था नियम कायदे चलाएं जरा। लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं बना नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की धमकी देने वालों पर आपका क्या कमेंट है? हाँ, अब मैं जवाब दे दूं शांति से, अगर सब कुछ शांत रहेगा तो मैं अच्छी तरह जवाब दे पाऊंगा। देखिए, देश में या चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे धर्म संसद पे जो जिस तरह की बात कही गई हो या यहाँ पे कोई बात कह रहा है मौलाना जी, देश तो संविधान कानून से चलेगा, ना अनुराग भदौरिया से चलेगा, ना आदित्य जी आपके हाथ से चलेगा। तो संविधान और कानून क्या कर रहा है? ऐसे देश के अंदर में देश के स्वार्थ को या कानून को कहीं कोई चैलेंज करता है, कोई बात करता है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए ना। कानून काम कम करता है, हम लोग ज्यादा चिल्ला रहे बैठ के यहाँ पे, ये काम तो कानून का है ना। कानून को देखना ना, गलत कौन है सही कौन है, जो गलत है उस पर गलत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून की नजर में अगर कोई गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब हम अगर आपसे बोले नहीं कानून कार्रवाई कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है, तब तो डिबेट बनती है। लेकिन कानून काम नहीं कर रहा है, हम आप डिबेट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है मैं जानना चाहता हूं। भाई ये बताइए कि कानून ने काम किया होता और हम कहते थे कानून ने गलत काम किया, तब तो एक बहस का मुद्दा बनता हिंदुस्तान के अंदर में। आदित्य सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को सुना रहा हूं, यहाँ पे चुनाव होगा, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसानों के रोंदने पे कानून अपना काम करता रहे, जो गलत कर रहा है उसको कानून अपने हिसाब से देखे। लेकिन इस बार यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी पे ये महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ अहम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे इधर उधर कितना भी नापने की कोशिश करे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की बातें होगी तो सरकार जिम्मेदार। सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम यहाँ के पैदाइशी लड़ाके हैं। इस कमेंट पर आपका क्या, शायद आपको समझ में नहीं आता तो आदित्य जी, नहीं अगर मेरी भाषा बड़ी है तो बंगाली समझ ज्यादा बड़ी है, मैं ना समझी सही, बंगाली बोल देता हूँ, मैं ना समझी सही, आप दर्शकों को समझा दीजिए इस स्टेटमेंट के साथ। बंगाली बोल रहा हूँ, आप नहीं हिंदी समझ पाए, अरे मैं वही तो, आप मैं बंगाली बोल रहा हूँ, आप हिंदी नहीं समझ पाए मुझे लग रहा है। आमी अपना के बोली छी यही देशे जे कानून के भंग करवे ताके सजा दिया जावे। अब समझ में आया? भोजपुरी बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया स्टेटमेंट की आप निंदा करते हैं या स्टेटमेंट पर आप खामोशी धारण कर लेंगे, जैसे कि अभी सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो सजा मिली, देश हिंदुस्तान हमारे कानून और संविधान से चलेगा,
पार्टी के डिस्कशन से ना चलेला, ना डिबेट से चलेला, ये बहस चल रही है। किससे चली ये चली? संविधान मुद्दे पर बहस चल रही है। अगर कानून के आपको यहाँ कॉमेडी शो के लिए नहीं बुलाया है अनुराग भदौरिया, ये कॉमेडी शो के लिए नहीं बुलाया है। हिंदी में कॉमेडी शो तो आपने बना दिया है, लेकिन कॉमेडी शो तो आपने बना दिया। नाहिद हसन कौन है? नाहिद हसन अभी दे रही हूँ खान आपको भी, प्लीज। नाहिद हसन कौन है? नाहिद हसन आ जाए। नाहिद हसन कौन है? नाहिद हसन। अच्छा वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो कानून है ना इस देश के अंदर में, कानून है। रफीक अंसारी, उत्तर प्रदेश में रफीक अंसारी का नाम सुना आपने? अरे मुझे बोलने दीजिए, आप सवाल पूछा तो जवाब। नहीं नहीं मैं एक लिस्ट है। नाहिद हसन, रफीक अंसारी, असलम चौधरी, मुहर्रम अली, ये कौन है? हाँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी, अब आगे और बढ़ रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कितने दिनों से आपके टीवी डिबेट में चिल रहा हूँ आदित्य जी, कि 10 टॉप जो माफिया है उसके नाम दे दीजिए। तो माफिया कम से कम क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे? 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा था, कौन है आदित्य जी? अगर हिम्मत है तो आज बोल दीजिए। 25,000 का क्रिकेट का, अगर 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा था तो उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? बोलिए आदित्य जी, आज इसी बात पे बहस हो जाए। क्यों नहीं रोंदने वाले के पिताश्री को देश के गृह राज्य मंत्री से हटाया? क्यों नहीं हटाया? इसके मतलब चाहे कोई भी हो, जिनके चाहे कोई भी हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो माफिया है तो माफिया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो पिछड़ा हो, खामोशी साध ली ना, जिन तौकीर रजा पर अभी आपने खामोशी साध ली, उन्होंने समाजवादी पार्टी को, ध्यान से सुनिएगा, आपकी पार्टी को बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। सब किसने बताया? ज्यादा तौकीर रजा ने, किसने? जिन पर आप खामोशी साधे हैं, जिन पर बोलने से आपको डर लग रहा है। सुबूई खान, सुबूई खान, आप सुबूई खान का जवाब, आप सुबूई खान, सुबूई खान, मैं आपसे भी वही सवाल पूछती हूँ जो मैंने गजेंद्र साहब से, अभी कोई दम भर रहा था, अभी कोई दावा कर रहा था, हम चिल्लाएंगे नहीं। आदिति की आवाज प्लीज कम करवाइएगा, इसे शांति की बात, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल चिल्लाने पा रही हूं। कितनी देर हुई है, कितनी देर हुई है? शांति शांति शांति, कोई जप रहा था ना, शांति शांति जप रहा था, चिल्लाएंगे नहीं, कोई बात नहीं। सुबूई खान, सुबूई खान, मेरा सवाल आपसे भी है, सुबूई खान, आपको प्रणाम। हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिलेगी तो हाँ सुन लिया मैंने आदित्य, आवाज आ रही है, मैंने सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आ रही है आवाज, आ रही है सर, तो सुन लीजिए। 5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपको लगता था नाहिद हसन इतना बड़ा क्रिमिनल है तो आप तो पहले अरेस्ट करते गुंडा एक्ट लगा के, नहीं आपने अरेस्ट किया। क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्योंकि पुलिस इंतजार कर रही थी कैसे चुनाव डिक्लेयर होगा, नॉमिनेशन करने जाएंगे तब तो हम एक्ट लगाएंगे, तो 25,000 की इनामी को भी पकड़ लीजिए। 25,000 का इनामी तो खुलेआम क्रिकेट खेल रहा था, गिरफ्तार कीजिए। चलिए मैं चैलेंज करता हूँ, करिए गिरफ्तार। 25,000 का इनामी है, मुस्कुराइए मत। अनुराग भदौरिया, बीजेपी को लेकर आपका सवाल है, बीजेपी को लेकर सवाल है, तो सवाल का जवाब मैं लूंगी। सुनिए, इतना वक्त क्यों लगाया जो आपने उठाया, लेकिन आपने ऐसे ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, सवाल तो आपसे भी है। आप अपने आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब देते नहीं है सर, दूसरों से आप सवाल पूछते हैं। आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसका बैकग्राउंड ये है, आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, आपसे तो सवाल ये है, आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है। अरे बोलने तो दीजिए सर, तब से आप बोल रहे हैं, तब से बोल रहे हैं आप, ये इस तरह से इस चौनिस में मत जाया कीजिए। आइए तो मत, कम से कम बोलने दीजिए। हाँ सर, ये डराने का काम तो कौन करता है, वो ये डिबेट जो देख रहे हो उन्हें भी पता है, डराने का काम कौन करता है, धमकाने का काम कौन करता है, खौफ में कौन लेकर आता है लोगों को, लोग जानते हैं, जनता जानती है। आपसे जो सवाल है जवाब नहीं दे रहे। के शर्मा, ठीक है सर, मैं जाया नहीं हूँ। के शर्मा जवाब दीजिए, 5 साल लग गए आपको। मैं जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। पहले इनको इनको केस की जानकारी होनी चाहिए आदित्य जी। पहले तो ये इतने बौखला गए हैं कि इनको यही नहीं पता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मुझे जवाब क्या देना है, ना इनको उस घटना की जानकारी। 1 साल पहले से वो फरार है, जो इनके विधायक 1 साल पहले से फरारी से चल रहे। 1 साल के बाद इन्हें सब पता था कि वो इसके ऊपर क्या एक्ट लगा है, सब कुछ लगा हुआ है, जानबूझकर इन्होंने टिकट दिया उसको। और मैं तो, आप जब प्रश्न ये कह रहे थे कि इनसे जवाब लीजिए, तो मैं उंगली इसलिए उठाया था कि आपके नीचे ये जो पट्टी चल रही थी, मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा था कि जिस व्यक्ति को
आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत तक नहीं मिल रही है, वो आपके आपका प्रत्याशी बनता है, आपका उम्मीदवार बनता है। इसका मतलब आप कैसे लोगों को अपना पसंद करते हैं और कैसे लोग, कैसे यदि अपराधी आपके साथ होते हैं, यह इसका परिचायक है। आपकी संस्कृति वो जो हम कहते हैं कि समाजवादी है, गुंडे गुंडा संस्कृति है इनकी, तो वो जो है ये आपका परिचय दे रहा है। इसीलिए आप ये तो दो मिनट में भी ये भी आरोप लगा देंगे, ये कहेंगे भाजपा की सरकार इसलिए जमानत नहीं मिली, तो ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे भी अभी यहाँ लगा देंगे, क्योंकि इनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना, कोर्ट के ऊपर भी इनको आरोप लगाना है। तो इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्टता से कहूँ, कानून अपने अनुसार काम करता है, कानून काम करेगा। न इनकी धमकी, न समाजवादी धमकी से डरने वाला है कानून, न समाजवादी गुंडों से डरने वाला है कानून। ये टीवी में चिल्लाए, आपा खोए, ये कूद पड़े, ये छत से भी कूद जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आपको इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि आपके जिस तरह उत्तर प्रदेश में माफियाओं के 2,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति हमने जब्त की, और जिस तरह से उस अवैध संपत्ति में हमने गरीबों के लिए जो वहाँ पर आज मकान बना रहे हैं, जिस तरह से हमने बुलडोजर चलाए हैं माफियाओं के ऊपर, खोल के सुन लो अनुराग भदौरिया, आपके संरक्षण प्राप्त जितने भी माफिया और गुंडे हैं और उत्तर प्रदेश के और गुंडे हैं, ये आदमी याद रखे, कानून अपना काम करेगा। हमने 5 साल के अंदर काम करके बात कानून की हर कोई करता है, लेकिन कानून पर कितना क्रिकेट खेल रहे हैं।